हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है ये एनुअली रशिया के अंदर होता है। ये 2015 से स्टार्ट किया गया है, अभी ये चल रहा है फ्रॉम 3 to 6 September। इस टाइम रशिया में चल रहा है। क्या है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? ये एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि हर साल रशिया के व्लादिवोस्तोक रीजन के अंदर होता है, जिसके अंदर वो प्रमोट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फार ईस्ट ऑफ रशिया के अंदर। ठीक है, तो फार ईस्टर्न रीजन जो है रशिया का, ये वाला, ये हाईली अंडर डेवलप्ड है, और जो वेस्टर्न रीजन है वो डेवलप्ड है। यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, और पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। एक्चुअली जो ये फार ईस्ट रीजन है ये इंडिया के लैंड एरिया से डबल है, और इसका जो पॉपुलेशन है ये इंडिया के दिल्ली NCR के जितना भी नहीं है। तो बहुत सारा लैंड है, अंडर यूटिलाइज्ड है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स रिच है। जो कोल है रशिया का, टोटल रिजर्व्स उसका 1/3 जो है वो इस रीजन में पाया जाता है, और जो रशिया के फॉरेस्ट हैं उसका जो 30% है वो भी इस रीजन के अंदर है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, अभी इन रिसोर्सेज को बिल्कुल भी हमने यूटिलाइज़ नहीं किया है। तो उसके लिए रशिया ने 2015 के अंदर एक फोरम स्टार्ट किया, जिसके अंदर वो इनकरेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट रशिया के फार ईस्ट के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ वो इस फोरम के अंदर ग्लोबल इश्यूज जो चल रहे हैं वो भी डिस्कस करते हैं। एशिया पैसिफिक के अंदर कैसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, कैसे रिलेशंस इम्प्रूव हो सकते हैं, वो सब हम इस फोरम के अंदर डिस्कस करते हैं। बट मेन जो है वो उसके अंदर है कि आपको इनकरेज करना है इन्वेस्टमेंट रशिया के फार ईस्ट के अंदर, जो कि हाईली अंडर डेवलप्ड है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच है। तो इस साल ये इंडिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे है? इंडिया के जो PM हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको इस साल एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है इस फोरम के अंदर। ऑलरेडी इसके अंदर 2015 से चल रहा है, तो अराउंड 17 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो नाउ दे हैव इनवाइटेड इंडिया टू ऑल्सो कम पार्टिसिपेट एंड इन्वेस्ट एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। तो ये इस टाइम पे रशिया की नेशनल प्रायोरिटी है फॉर दिस सेंचुरी, कि वो 21st century की प्रायोरिटी है कि वो इस एरिया को डिवेलप करेंगे। तो मेनली हमें डिवेलप करना है, 2015 से शुरू हुआ है, अभी करंटली चल रहा है। और इसके साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडिया रशिया है उसकी हर साल समिट्स होती हैं, तो इस साल 20th summit है, वो भी इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के साथ साथ इंडियन PM इस समिट के अंदर भी पार्टिसिपेट करने गए हैं, जिसके अंदर हमने कुछ बायलेटरल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन किए हैं इंडिया रशिया 20th summit के अंदर। ठीक है, तो इंडिया और रशिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इस समिट की, ये हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें हल्का सा ब्रीफ लेना है इंडिया रशिया के रिलेशनशिप का। ठीक है, तो इंडिया में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तब इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो थी उससे बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे, एंड दे यूज दोज मेथड्स एंड दोज आइडियोलॉजीज इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। उसके बाद इंडिया जब 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, तभी उसी साल अप्रैल से हमने रशिया के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू किया था। 2017 के अंदर देयर वाज 70 इयर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया, 70 इयर्स कंप्लीट हुए थे 2017 के अंदर। फिर इंडिया का जब सेकंड 5-year प्लान आया था, उसके अंदर इंडिया ने हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया था, क्योंकि हमें सेल्फ सफिशेंसी अचीव करनी थी। तो उस सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने के लिए हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया, 16 हैवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया, उसमें से 8 जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ थी उसमें रशिया ने हमें सपोर्ट किया था। IIT बॉम्बे इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट जिसमें रशिया ने हमें हेल्प किया था। उसके बाद 1971 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना था, आज़ाद हुआ था, तब इंडिया ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया था, एंड USA वॉज अगेंस्ट इंडिया, ब्रिटेन वॉज अगेंस्ट इंडिया, बट उस टाइम पे भी रशिया ने हमें सपोर्ट किया था, एंड उन्होंने इवन नेवल, जो अपनी न्यूक्लियर आर्म्ड शिप्स हैं वो भी इंडिया में भेजने की बात की थी टू सपोर्ट इंडिया।
तो उसी साल इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी रशिया के साथ। उसके बाद जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का रशिया, तो उसके पास वीटो पावर है और उस वीटो पावर को रशिया ने बहुत बार यूज़ किया। जब भी कुछ एंटी इंडिया इनिशिएटिव लेने की कोशिश की गई है यूएनएससी में, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के इशू को, तो हमेशा ही रशिया ने हमें सपोर्ट किया है, अपनी वीटो पावर को यूज़ किया है। तो 1990 तक तो जो इट वॉज़ यूएसएसआर सोवियत यूनियन, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हुआ एंड रशिया अलग हो गया एंड बाकी न्यू कंट्रीज फॉर्म हुई। तो वो जब टाइम चल रहा था तो इंडिया का रिलेशनशिप थोड़ा सा रशिया के साथ डिटीरियोरेट हुआ था एंड हमने थोड़ा सा टिल्ट कर गए थे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में यूएस की तरफ। तो उसको रिवाइव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए हमने 1993 के अंदर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया था रशिया के साथ, ठीक है। उसके बाद 2000 के अंदर इंडिया और रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, एक दूसरे को डिक्लेयर किया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन गए हैं। एंड उसके बाद इंटरनेशनल एरेना के अंदर काफ़ी सारे फोरम्स हैं जिसके अंदर रशिया एंड इंडिया जो हैं वो कॉपरेट करते हैं। हमें SCO का मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप मिला है 2017 के अंदर, उसके लिए भी हमें रशिया ने सपोर्ट किया है। हम ब्रिक्स में कॉपरेट करते हैं, UN में कॉपरेट करते हैं रशिया के साथ एंड वी ऑल्सो कॉपरेट इन G20। तो इंटरनेशनली हम काफ़ी कॉपरेट करते हैं और इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो बेसिकली एक डिफेंस में है एंड दूसरा है स्पेस के अंदर थोड़ा हमारा कॉपरेशन है इनके साथ, और हम ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारा $11 बिलियन का ही ट्रेड है इनके साथ, लेकिन हम मेनली देखते हैं जो हमारा ट्रेड है वो डिफेंस के एरिया में है, मिलिट्री के एरिया में है, लेकिन हम इसको भी एक्सपैंड करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ $11 बिलियन का है हमारा ट्रेड, तो हम अपनी कॉपरेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन है कि इंडिया रशिया का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है। ऑल दो वेन एवर वी हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद USA, तो रशिया गेट्स अ बिट एप्रिहेंसिव कि इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स USA, लेकिन इंडिया ने अभी काफ़ी हद तक अपने रिलेशनशिप को डीहाइफिनेट कर दिया है कि US के साथ अगर हम एंगेजमेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो दैट डजेंट मीन कि हमारा रशिया के साथ जो एंगेजमेंट है वो कम होने वाला है, ठीक है। तो वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया, लेकिन ये है कि जो हमारा कॉपरेशन है वो बहुत ही न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। हमारे काफ़ी सारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो रशिया ने उसमें हमें असिस्ट किया है, और डिफेंस के अंदर हमारा 2014 से लेके 2018 तक जितना भी हमने डिफेंस रिगार्डिंग इंपोर्ट किया है, आर्म्स इंपोर्ट किए हैं, उसका जो 58% है वो हमने रशिया से किया है। एंड रशिया के साथ ट्रेड करने में एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी करते हैं जो कि बाकी कंट्रीज़ नहीं करते हैं। तो इंडिया एंड रशिया का बहुत ही पुराने टाइम से और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो हम अब वापस आते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के अंदर, जिसके अंदर रशिया क्या ट्राई कर रहा है कि उनके फार ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए इंडिया उसका थोड़ा सा सपोर्ट करे, ठीक है, इंडिया वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे। तो रशिया को इससे क्या फ़ायदा है? सबसे पहले रशिया अपना एरिया डेवलप करना चाह रहा है, ठीक है, काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, इक्वालिटी लाना चाह रहा है इधर की और इधर की डेवलपमेंट के अंदर, तो उसको असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए फोरम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है कि 2014 के अंदर क्रीमियन क्राइसिस आया था। इस क्राइसिस के बाद रशिया का वेस्ट के साथ, USA वगैरह, ब्रिटेन है, यूरोप के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गया था। तो ऑब्वियसली वेस्ट के साथ रिलेशनशिप डिटीरियोरेट होने के बाद रशिया ने ईस्टर्न एरिया में देखना शुरू कर दिया। तो अब उसको ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रशिया के अंदर अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने टाइज को इम्प्रूव करने के लिए विद अदर कंट्रीज़, बिकॉज वेस्ट के साथ उसका जो रिलेशनशिप है इतना अच्छा नहीं है और उसकी जीडीपी पे भी इसका बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ा है, डाउनफॉल आया थोड़ा सा रशिया की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो जब ये 2014 का क्राइसिस हुआ तो चाइना वॉज द कंट्री जिसने रशिया को हाईली सपोर्ट किया, ठीक है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि रशिया का जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया हुआ है हर एरिया के अंदर। तो
अब रशिया क्या चाहता है कि वो अपने डाइवर्सिफाई करे रिलेशनशिप, सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे. प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कल रशिया और चाइना के रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ जाए, और अगर वो चाइना पे ही हाईली डिपेंडेंट है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. तो वो अपनी चाइना के ऊपर से डिपेंडेंस है वो कम करना चाह रहे हैं, एंड बाकी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अपना डिवेलपमेंट ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं. ठीक है, और एशियन कंट्रीज़ के साथ वो क्यों ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं अपना रिलेशनशिप, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रेविटी है पहले वो वेस्ट की तरफ थी, अब वो ईस्ट की तरफ मूव हो रही है. ठीक है, एक तरह का यहाँ पे सैचुरेशन है, तो जो फ्यूचर में डेवलपमेंट है वो ईस्ट में होने वाला है. वर्ल्ड का जो ईस्ट है, स्पेशली जो एशियन इकोनॉमीज हैं, दे विल बी द ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, वो डिवेलप कर रही हैं. मार्केट कहाँ पर है आज के टाइम पर एशियन इकोनॉमीज़ के अंदर, मैन पावर कहाँ पे है एशियन इकोनॉमीज़ के अंदर, डिमांड कहाँ पे है, मार्केट कहाँ पे है एशियन इकोनॉमीज़ के अंदर. तो जो इकोनॉमिक ग्रेविटी ऑफ द वर्ल्ड है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रही है. ठीक है, और अब इन सब मार्केट्स का ग्रोथ का फ़ायदा उठाने के लिए रशिया को इन कंट्रीज़ के साथ एंगेज होने की ज़रूरत है, ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ एंगेज होने की ज़रूरत है. तो वो इस फोरम को यूज़ कर रहा है इस ग्रोथ का फ़ायदा उठाने के लिए और अपना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, कि इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए ये वाली कंट्रीज़ हेल्प करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, और चाइना पे उसका डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाए और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. तो ये तो है कि रशिया को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है. तो अब इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा, इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है रशिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने की, अपना ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने की. इसलिए इंडिया को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद जो फारिस को डेवलप करने के लिए लैंड फ्री में मिल रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. और इंडिया को ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहा है, अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहा है, साउथ अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, और अब रशिया के फारिस में इन्वेस्ट करेगा, तो इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ेगा और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. उसके बाद है इंडिया की एनर्जी नीड्स. इंडिया की एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए. तो हमने पहले क्या देखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कोल है, इंडिया वो यूज़ कर सकता है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, इंडिया बहुत ज़्यादा टिम्बर इम्पोर्ट करता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. तो इंडिया की एनर्जी नीड्स हैं, अभी हम कुछ कुछ कंट्रीज़ पे ही डिपेंडेंट हैं अपने ऑयल और गैस के लिए, जो कि कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट में हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ जियो पोलिटिकल इशूज़ चलते रहते हैं. तो इंडिया को अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, तो उन सोर्सेज की डाइवर्सिफिकेशन के लिए रशिया विल बी वेरी हेल्पफुल. तो एक एनर्जी नीड्स हमारे फुलफ़िल होंगी और हम अब अपने उसको रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे. ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया रशिया का समिट चल रहा है 20th, जिसके अंदर इंडिया ने ये बोला है कि वो ट्रेड जो है, अभी मैंने कितना बोला था, $11 बिलियन है हमारा जो ट्रेड है रशिया के साथ, उसको हमने $30 बिलियन तक लेके जाना है. तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमने इंडो रशिया समिट में रखा है, ये फोरम है, ये बहुत काम आएगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, ट्रेड बढ़ेगा. अभी हमारा डिपेंडेंस क्या है, सिर्फ कुछ एरियाज़ के अंदर है, डिफेंस के अंदर और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर. तो इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए हम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को यूज़ कर सकते हैं. हम मिलिट्री और डिफेंस के अलावा हम ट्रेड बढ़ा सकते हैं, हम आईटी में एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, हम स्पेस के एरिया में, रशिया ने बोला है कि वो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करेंगे, तो वो एक एरिया हो गया, डायमंड माइनिंग के अंदर एक एरिया हो गया, और सी रूट्स हैं जो उसमें कॉपरेशन कर सकते हैं, शिप बिल्डिंग के अंदर कर सकते हैं. तो इसी समिट के अंदर हमने बोला है कि हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक सी रूट को डेवलप करेंगे. तो जो अभी हमें अगर सी रूट से रशिया की तरफ जाना होता है तो इट टेक्स 40 डेज, अगर हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक सी रूट को डेवलप कर लेंगे तो इट विल टेक 24 डेज सी रूट से इंडिया से रशिया तक जाने में. तो जब हम ये सी रूट डेवलप करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंस है वो साउथ चाइना सी के अंदर बढ़ेगा, और साउथ चाइना सी के अंदर अभी चाइना ज़्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन वहाँ के जो एरिया के कंट्रीज़ हैं, दे वांट इंडिया टू एंटर द एरिया, एंड वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस ऑफ
रीजनल पावर्स हो तो इंडिया को स्पेशली इनवाइट किया जाता है इस एरिया के अंदर कि वो अपना थोड़ा सा प्रेजेंस बढ़ाए. तो जब हम इस सी रूट को डेवलप करेंगे तो हमारा प्रेजेंस जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर भी बढ़ेगा. ठीक है, उसके बाद है हमारी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है. एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो स्कोप है वो हमने बढ़ा के नॉट जस्ट द इमीडिएट ईस्ट कंट्रीज, हमने उसके अंदर रशिया को भी इंक्लूड कर दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर. तो वो भी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को यूज़ करके. ठीक है, तो इंडिया जो है इस टाइम पे बोला जाता है कि यूएन ने बोला है कि 2028 तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन जाएगा. ठीक है, इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है फ्यूचर के अंदर. इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर भी है, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर भी है, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर भी है. ठीक है, इंडिया के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैन पावर. डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास. रशिया के पास क्या नहीं है, यहाँ पे मैन पावर नहीं है. स्किल्ड मैन पावर उनको कौन प्रोवाइड कर सकता है, इंडिया प्रोवाइड कर सकता है. इंडिया की ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है इंडियन ओशन के अंदर जो है, एशिया के अंदर है, वो बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. तो इंडिया क्या कर सकता है, इन सब जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, ज्योग्राफी है, इसको यूज़ करके, लीवरेज करके एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है. उसके लिए हमें एक्टिवली इंटरनेशनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हमें इंटरनेशनल फोरम्स में पार्टिसिपेट करना है. तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इज़ वन ऑफ दैट फोरम जिसमें पार्टिसिपेट करके हम अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाएंगे और रीजनल पावर से एक सुपर पावर बन पाएंगे और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है जो वो क्रिएट कर पाएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे.